नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र के बंडरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव मिला है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर के लम्बो कोतवाली क्षेत्र में एक दिव्यांग महिला से दुराचार का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में एक शख्स को चोरी की बाइक के साथ फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस्तेमाल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक चोरी की बाइक लेकर फरार हुआ था। कानपुर के वीटी हवेली में मुकेश कटियार की डेंगू होने से मौत हो गई थी। वहीं बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रजना सिंह ने मृतक के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की है। रायबरेली में गुरबक्सगंज थाना क्षेत्र के बढ़ईन पुरवा में दबंगों ने घर में घुसकर एक दलित परिवार पर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें परिवार के कई लोग घायल हो गए। रायबरेली में भदोखर थाना क्षेत्र के शई नदी पुल के पास अचानक ब्रेक फेल होने से दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एहार बालेश्वर मंदिर में बने तालाब के अंदर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर एक बुजुर्ग का ट्रेन से पैर फिसल गया। वहीं मौके पर मौजूद प्रभारी निरीक्षक जीआरपी ने दौड़कर बुजुर्ग की जान बचाई। बलिया में मशहूर भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में बाउंसर और वकीलों के बीच हाथापाई हो गई। पुलिस की मदद से वकीलों ने कोर्ट परिसर से बाउंसरों को बाहर निकाला। बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी की तरफ से अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रामपुर में सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में छेड़खानी और मारपीट के मामले में भाजपा के जिला मंत्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी जिला मंत्री को मेडिकल कराकर जेल भेज दिया है। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।